नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए डालते एक नजर ललितपुर जिले की प्रमुख एवं खास खबरों पर ललितपुर लाइव टीवी के इस फटाफट बुलेटिन में। जब तक बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। आइए अब खबरों की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी और अहम खबर से। झांसी ललितपुर हाईवे के रक्षा चौराहे के पास आज सुबह सुबह 5 बजे के करीब घने कोहरे के बीच एक अनियंत्रित ट्रक हाईवे सड़क किनारे बने एक मकान में जा घुसा, जिससे मकान क्षतिग्रस्त हो गया है। तेज धमाके की आवाज सुनकर घर में सो रहे परिजन दौड़कर बाहर निकले और अपनी जान बचाई। फिलहाल इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, सभी लोग सुरक्षित निकल आए। घटना की सूचना मिलते ही झांसी जिले के रक्षा थाना पुलिस एवं हाईवे पर मौजूद डायल 100 पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। ललितपुर शहर के गोविंद सागर बांध स्थित तलहटी में आज मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में पतंग उड़ाने की परंपरा विगत कई वर्षों से चली आ रही है, जिसको लेकर लोग आज भी पतंग उड़ाकर मकर संक्रांति के त्योहार को परंपरागत तरीके से मनाते चले आ रहे थे। इस दौरान पतंग उड़ाने को लेकर दो युवकों में हुई घासुनी के दौरान दोनों युवक आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते दोनों युवक लहूलुहान हो गए, लेकिन वहां से गुजर रहे लोगों ने दोनों युवकों को अलग अलग करने का प्रयास तक नहीं किया, बल्कि तमाशबीन बनकर ये सब तमाशा देखते रहे, जिसकी सूचना पुलिस को दे दी गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायल शेरों को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया और दोनों के खिलाफ मारपीट का मुकदमा दर्ज करने की तैयारी शुरू कर दी। ललितपुर राजघाट मार्ग स्थित ग्राम चौरनसील एवं भरतपुरा के बीच हुआ भीषण सड़क हादसा। सड़क हादसे में एक तेज रफ्तार कार ने मकर संक्रांति का मेला देखकर लौट रहे मोटरसाइकिल सवार कुमारी जोरदार टक्कर, जिससे मोटरसाइकिल सवार की मौके पर ही दर्दनाक मौत। मोटरसाइकिल सवार मृतक युवक ललितपुर थाना सदर कोतवाली क्षेत्र के चौक बाग इलाके का बताया जा रहा है। जनपद में अपराध एवं अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर चलाई जा रही अभियान के क्रम में ललितपुर थाना सदर कोतवाली पुलिस ने चोरी के मामले में वांछित दो अभियुक्तों को मुखबिर की सूचना पर पकड़ने में सफलता हासिल की। तो वहीं इसी क्रम में ललितपुर थाना तालबेट कोतवाली पुलिस ने विभिन्न मामलों में वांछित 4 आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया। ललितपुर थाना सदर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत पुराने पनारी रोड स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर पर बीती रात कुछ अज्ञात चोरों ने मंदिर की कुंडी तोड़कर दान पेटी एवं पास में रखी हुई दुकान में चोरी की घटना को अंजाम। सदर कोतवाली पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर घटना को अंजाम देकर भागे चोरों की तलाश शुरू की। ललितपुर जिले के ब्लॉकबाड़ क्षेत्र अंतर्गत ग्राम चिगलुआ में उप सभापति श्रीकांत कुशवाहा ने 3 दिवसीय मेले का फीता काटकर शुभारंभ किया। इस दौरान पूर्व ब्लॉक प्रमुख जेपी रजक एवं अनुसूचित मोर्चा जिलाध्यक्ष सुरेंद्र रजक मौके पर उपस्थित रहे। ललितपुर थाना सदर कोतवाली क्षेत्र के बस स्टैंड पर आज एक बड़ा हादसा उस समय होते होते टल गया जब सुबह सुबह बस स्टैंड पर एक बस अनियंत्रित होकर 2 हैंडपंपों को तोड़ दिया। इसके साथ ही वहां रखी एक मोटरसाइकिल भी इसकी चपेट में आ गई और बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। फिलहाल मकर संक्रांति के पर्व पर ईश्वर की बड़ी कृपा रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। ललितपुर में नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि मुन्ना लाल जैन एवं वार्ड नंबर 18 नजाई बाजार एवं सुभाषपुरा के पार्षद आलोक जैन मयूर ने शासन के आदेशों के तहत गरीब असहाय एवं विकलांग व्यक्तियों को निःशुल्क कम्बल वितरण किए। इस दौरान नगर पालिका के वरिष्ठ पार्षद एवं नगर पालिका कर्मचारी मौके पर मौजूद रहे। ललितपुर जिले के तालबेट कस्बा स्थित श्री पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर में मुनि विनर्म सागर महाराज ने धर्मसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हर बड़ा आदमी विनर्म होता है। सबसे पहले विनय को धारण करना सीखो। जिसने जिन शासन को स्वीकार किया उसने मंत्रों की अचिंत महिमा से वह तर गया। उन्होंने सीता लवकुश और अग्नि परीक्षा का संस्मरण सुनाया और कहा कि यदि किसी को अपने पुरुषार्थ पर संदेह नहीं है तो उसे रोने की आवश्यकता नहीं। मुनि श्री ने कहा कि सभी की 4 गतियां अनर्थ, व्यर्थ, सार्थ और परमार्थ है। जिसको समझना होगा, जिसे किसी ने बताया नहीं और कोई अब तक समझ नहीं पाया। ग्रंथ हर किसी से बात नहीं करते, लेकिन निग्रंथ की आवाज़ जन जन तक पहुँच जाती है। जब जागो तभी सवेरा, इसलिए ये अच्छी तरह समझ लो। तन मन धन वचन समय या किसी वस्तु का उपयोग, उपभोग या प्रयोग करते वक्त ये चिंतन करना चाहिए कि इससे अनर्थ, व्यर्थ, सार्थ और परमार्थ किस गति का बंध होगा। इसी में मानव जीवन की सार्थकता है।